मतलब मैं 8 years की थी जब, तब से अभी 10 years हो गए, 11 years हो चुके हैं. सो तब से मैं अभी गा रही हूँ. सो धीरे धीरे करके वो है. एंड वो प्राउड फील करते हैं ऑब्वियसली, वो मुझे बोलते हैं क्योंकि अब मैं शोज़ कर रही हूँ. सो ट्रैवल करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, अकेले भी जाना पड़ता है बहुत सारी जगह. तो दे से कि ना आई वी आर प्राउड ऑफ यू. तो डबिंग करी एंड उसके बाद एज़ यू नो सुखी ने अपने इंटरव्यू में भी मेंशन किया था कि वो पहले मैंने गाया था, फर्स्ट मैंने गाया था. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स से, 3-4 सिंगर्स से और गवाया था. बट फाइनल जब उन्होंने फिर सबका सुना तो उन्हें मेरा बेस्ट लगा. तो फिर आई थिंक जब सॉन्ग आने वाला था उसके 10 days पहले ही, 10 दिन पहले ही उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि दिव्या हमने आपकी वॉइस फाइनल की है. या सो मतलब फाइनल आपकी वॉइस हुई है तो हम फाइनल डबिंग कर रहे हैं, तो आप आ जाओगे. एंड एक तो ये था कि मैं बैठी हुई थी एंड एक कोई आए, एक पर्सन आया, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप ही हो वो जिसने रू मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा गाए. एंड मैं उनके सामने ही मतलब हंसने लग गई थी कि हाँ जी हाँ जी गाए. सो मैं उसका जो लास्ट वाला स्टेंजा है जो कि एंडिंग होती है, जो ऑडियो में इंक्लूडेड नहीं है, उसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी. एंड फाइनली मुझे चांस मिला है. मैं लाइव तो अभी तक नहीं उनसे, अपने फैन से बात कर पाई हूँ, बट मुझे अभी चांस मिला है कि मैं वो उनके लिए गाऊँ, राइट. सो मैं वो सुनाना चाहूँगी सबके लिए. हाँ मूवी में है बट ऑडियो में या और कहीं भी नहीं है. सो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो हमें सुनना है, राइट. सिंग ऑनलाइन देखने वाले सारे दर्शकों का मोल दिल दिया गहराइया के स्वागत करते जी. तो अब जिस शख्सियत के नाल बैठा मैं, जिस कुड़ी के नाल बैठा, ये सुपर स्टार अपने आप के सुपर स्टार है क्योंकि ये पहला गाना आया सी सुपर स्टार सुखी के नाल, तो दूसरा गाना आया कौन होएगा. मैं ना सिनेमे सोच ही जाता सी, मैं क्या आवाज़ की दी, आवाज़ की दी. तो अज चलो साढ़े चंगे भाग ने है ना, इन्ह के नाल असी बैठे, तो अज इन्ह सवाल जवाब करा कितों बिलोंग करते हैं, की होया कि इन्हों वो गाने मिले. तो बड़े गलों से टाइम ना खराब करा, कृपया स्टार्ट करिए आप क्वेश्चन आंसर तो. तो पहला सवाल, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, मतलब कितों तुम बिलोंग करते हो, हूँ रीसेंटली तुम की कर रहे हो, तो पहला की स्टडी की. ओके सो मेरा बर्थ चंडीगढ़ का है एंड आई लिव इन चंडीगढ़ ओनली. बट मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उत्तराखंड से हैं. सो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड एंड मैं चंडीगढ़ में ही अभी स्टडीज़ कर रही हूँ, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर इन बी ए. केड़े कॉलेज? MCM. जिहड़े दिव्या दे फैन ने MCM दे बाहर खड़े हो जाओ ऑटोग्राफ लैन दे लई. ते दिव्या स्टडी चल रही है ना, कोई ज़्यादा एज नहीं हैगी, आप कह दी बी ए च. मैं भी हूँ कॉलेज पास आउट हाँ, तो इन्नी नॉलेज नहीं होंगी. तुहाडे दो गाने ने, पहली गल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बिग हिट दी उन्होंने, मिलियनस 50-50 मिलियन है ना टप गए. तो किदा स्टडी, मतलब भी स्टडी चल रही आ, क्योंकि आप अजे इन्ने ग्रो ही नहीं हुए ना, जे आप पूरे तरह भी आप मापिया डिपेंडेंट हाँ जी, किदा गाने करन दा मतलब भी किवें आया भी मैं सिंगर बना. सिंगर बनने का जो है ये एक्चुअली मैं जब 8 years की थी मैंने तब से स्टेज परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया था. सो तब मैं गाती थी एंड लोग बोलते थे कि ओके मतलब इसकी वॉइस गॉड गिफ्टेड है, बहुत टैलेंट है, सो इसको अभी सीखना चाहिए और लर्न करना चाहिए. सो उसके बाद मैंने सीखना भी स्टार्ट किया क्लासिकल एंड धीरे 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 मतलब मैं 8 years की थी जब, तब से अभी 10 years हो गए, 11 years हो चुके हैं. सो तब से मैं अभी गा रही हूँ. सो धीरे धीरे करके वो है. एक ना कोई बंदा होंदा, मतलब कोई फैमिली मेम्बर होता है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है, यार तू बस तू ही है, ठीक है, जब भी बस तू ही है, तू ही करेगा, तो कौन था मतलब जिसने ज़्यादा, जिन्हें ज़्यादा मोटिवेट किया भी हाँ यार तू कर तू कर. सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग ही हुई है, तो स्टार्टिंग में ही मेरे मामा जी जो हैं, ही इज़ अ सिंगर और वो ओल्ड मेलोडीज़ के बहुत सारे शोज़ भी करवाते हैं पुराने गानों के. सो बचपन से ही मैं मतलब आप कह सकते हो कि मेरी वॉइस में जो मेलोडी है उसका कुछ पार्ट जो है वो इस वजह से भी आया क्योंकि मैं बचपन से मैं बड़ी ही पुराने गाने गा के हुई हूँ, राइट. सो जो वो उनमें जो प्योरिटी होती थी एंड ऑल है ना, सो वो आपको मेरे गाने में दिख रही होगी है ना. सो वो एक मेरे मामा जी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा
इनकरेज किया है बचपन से, और उसके बाद ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स और मेरा बड़ा भाई, जिनकी सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल होता ही नहीं अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, राइट. सो उन्हें जब पता लगा कि मुझे मेरी जो वॉइस है इतनी अच्छी है एंड आई कैन बिकम अ सिंगर, सो उन्होंने कहीं भी मतलब कसर नहीं छोड़ी मुझे सपोर्ट करने में. एंड हर जगह जहाँ पे मैं जाती हूँ मेरे साथ जाते हैं. अच्छा. और कहीं पे भी कोई भी स्टेप मुझे लेना है, सो दे आर ऑलवेज विद मी. वैसे मामियां दा हर एक दी जिंदगी दे विच बहुत बड़ा रोल हुंदा. हर एक कई मामे भाणजे नूं बिगाड़ भी दिंदे आ ते कई उपर भी कर दिंदे आ ना. मामे बहुत सपोर्ट करदे आ सारे मामियां नूं. प्यार भरी सति श्री अकाल ते बहुत बहुत सलूट आ तुहानूं सारिआं नूं. दिव्या मामा जी दी सपोर्ट सी बट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਘਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? मम्मा पापा का मैं ये नहीं बोलूँगी कि बस सपोर्ट ही किया है ना. उन्होंने बहुत जगह पे ये भी बोला है कि यू नो बहुत स्ट्रगल करना है इस इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है. सो एंड मैं बचपन से स्टडीज़ में बहुत अच्छी रही हूँ. सो अभी जो मेरा प्लस टू था उसमें भी आई गॉट ऑनर्ड बाय द CBSE बोर्ड. सो मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में एंड आई वॉज अमंग द टॉपर्स. सो पापा मम्मा कई जगह पे उन्होंने ये भी बोला है कि यू नो पढ़ाई पे फोकस बिकॉज आई एम ऑल्सो गुड इन स्टडीज़. सो पढ़ाई पे भी उतना ही. सो मैं बचपन से बैलेंस बना के चलती हूँ एंड वो दोनों चीज़ों में सपोर्ट करते हैं. मतलब वो बोलते हैं कि ओके अगर आप अपना हार्डवर्क करते जाओ एंड फिर बाकी भगवान पे है कि वो आगे क्या करते हैं, राइट. आप अपना मेहनत करते जाओ दोनों चीज़ों में एंड जो होना होगा वो. एंड व्हाट अबाउट बीए नंबर, मतलब बीएच कितना जा रही है परसेंटेज? बीए में बहुत अच्छी जा रही है और हालांकि है कि मेरी क्लासेस बिल्कुल नहीं लग पाती है बिकॉज यूथ फेस्ट, बिकॉज मैं ऑब्वियसली कॉलेज में हूँ तो यूथ फेस्ट जो है उन सब में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ एंड सारे सोलो में चाहे लाइट वोकल हो चाहे क्लासिकल हो आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन जोनल एंड इंटर जोनल में भी. अभी सेकेंड ईयर चल रहा है तो दोनों बार ऐसा हुआ है एंड इस करके क्लासेस तो मेरी बिल्कुल भी नहीं लगती है बट फिर भी मतलब घर पे मैं कर लेती हूँ पढ़ाई. दिव्या नूं उपर चढ़ाउण दे विच मामियां दा हत्थ तां है ही सीगा. ते मैं दस दें इंटरव्यू देखने वालों कि अज अंकल भी ये नाल ही आया. अंकल ने बहुत सपोर्ट की. अंकल आराम नाल बैठे, बाद च तुहानूं अंकल दिखावांगे. तो अंकल नाल लैके आए इन्हां नूं कार दे विच भी उत्थे चलो अपनी इंटरव्यू आ. वैसे अजकल बहुत माण महसूस होंदा होना घरदिआं नूं वी हाँ साडा बच्चा है ना. होता है बट मतलब हम लोग का ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं चढ़ाते नहीं है मुझे कि आप कुछ बन गए. अभी वो बोलते हैं ओके अभी तो स्टार्टिंग है. हाँ. है ना. और मैं भी मतलब इसी में बिलीव करती हूँ कि अभी हार्डवर्क अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है. सो वो सपोर्ट पूरा करते हैं पर ऐसे कभी नहीं बोलते कि ओके तू तो स्टार बन गई है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बच्चे मतलब वो मुझे बच्चे की तरह ही ऑब्वियसली कि मैं तो अभी छोटी हूँ उनके लिए, राइट. सो बस एंड वो प्राउड फील करते हैं ऑब्वियसली. वो मुझे बोलते हैं कि ओके अब मैं शोज़ कर रही हूँ. सो ट्रैवल करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, अकेले भी जाना पड़ता है बहुत सारी जगह. तो दे से कि ना आई वी आर प्राउड ऑफ यू, अच्छा लगता है. सुपरस्टार किवें मिलिया किद्दां? मतलब भी इदां दा नहीं होना भी ठीक है तुसीं सुत्ते पे हो बैड ते ते सुखी दा फोन आया जां जानी दा फोन आया भी आ गाना आ लो तुसीं गाउणा. सो किद्दां रहा, मतलब किद्दां मिलिया? इसके पीछे बहुत बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है. आपां फ्री हां सुन ले बिकॉज एज यू नो मैंने बताया अभी कि मैं जब 8 years की थी मैं तब से गा रही हूँ, राइट. सो धीरे धीरे करके आपके लिंक्स बनने शुरू होते हैं, लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं, आपको पसंद करना शुरू करते हैं. तो ऐसे ही एक बार हुआ था, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ. हाँ. कि ऐसे हुआ था कि एक बार मैं टैगोर में परफॉर्म कर रही थी. ऐसे पुराने गानों का ही एक शो था तो उसमें ऑडियंस में देखने के लिए आए थे, आपको पता होगा सारेगामा पा के कंटेस्टेंट रह चुके हैं हिमांशु शर्मा एंड उनके वाइफ रूबी खान. सो मैं उनको भैया और दीदी बुलाती हूँ. तो वो दोनों आए थे एंड वो स्पेशली मुझे बैक स्टेज आके मिलने आए जब उन्होंने मेरा गाना सुना उसके बाद कि आपने बहुत अच्छा गाया ना, आप अभी इतने छोटे से हो बट सबसे अच्छा आपका सॉन्ग था है ना, सुर में था. एंड उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए एंड देन उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया कि यू नो हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे. सो आफ्टर आई थिंक उसके नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गया था उनका कि मिलते हैं. सो उसके बाद जैसे जैसे हमारा थोड़ा मतलब मिलना स्टार्ट हुआ उसके बाद हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल फैमिली वाला बन गया था, राइट. कि वो मतलब
ऑलमोस्ट ऐसा होता था कि हर दो दिन बाद हम मिल रहे हैं और हम लोग की रात भर बैठ के महफिलें चल रही हैं, मतलब हारमोनियम है मेरे पास, तो हारमोनियम लेके और हम उसमें गाते थे, वो मुझे कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं एंड हम लोग बहुत गाते रहते थे, राइट। सो उसके बाद उनके स्टूडियो में कमल खान जी, आप उनको जानते हैं, कमल खान आए थे उनके स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, तो उनको कोरस के लिए फीमेल वोकल्स चाहिए थे, तो फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि यू नो दिव्या, कमल खान का सॉन्ग है तो उसमें आप आओगे। सो मैंने बोला ओके राइट, अच्छी बात है कि उनका सॉन्ग, तो उसमें मैंने फिर कोरस करा, राइट। तो उनको भी मेरी वॉइस इतनी पसंद आई कि फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद उनके भी कॉन्टैक्ट में रहने लग गए एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया और बोला कि यू नो सुखी का एक सॉन्ग है सो आप उसमें गाएंगे। हाँ। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, तो उसके लिए फिर डायरेक्ट हम सीधे डबिंग के लिए चले गए, राइट। तो डबिंग करी एंड उसके बाद एज यू नो सुखी ने अपने इंटरव्यू में भी मेंशन किया था कि वो पहले मैंने गाया था, फर्स्ट मैंने गाया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स से, तीन चार सिंगर्स से और गवाया था, बट फाइनल जब उन्होंने फिर सबका सुना तो उन्हें मेरा बेस्ट लगा। तो फिर आई थिंक जब सॉन्ग आने वाला था उसके 10 डेज पहले ही, 10 दिन पहले ही उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि दिव्या हमने आपकी वॉइस फाइनल की है, या सो मतलब फाइनल आपकी वॉइस हुई है तो हम फाइनल डबिंग कर रहे हैं तो आप आ जाओगे। सो आई थिंक उसी दिन उन्होंने बोला कि आप आज ही रिकॉर्डिंग करनी है एंड आई थिंक पता नहीं उसी दिन हुआ था या नेक्स्ट डे, तो एक दो दिन के अंदर वो फाइनल फिर मैंने डब किया एंड सुपरस्टार वाज आउट। और ते दूसरी गल, गाने च पंजाबी आ, या है ना पंजाबी गाना, तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बोलने? नहीं मतलब प्रॉब्लम मुझे एक्चुअली, मैं पंजाबी पढ़ी है, मैं ऑब्वियसली चंडीगढ़ की हूँ, मेरे आस पास सराउंडिंग सारे पंजाबी लोग होते हैं तो मैं पंजाबी बोलती भी हूँ, बट वो है कि थोड़ा एक्सेंट का फर्क पड़ जाता है, तो पंजाबी भी सुनाएंगे तो एक्सेंट का थोड़ा मुझे रहता है, सो मतलब वो होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो हो नहीं पाती है, घर पे मैं हिंदी में ही बात करती हूँ एंड सारे रिलेटिव्स भी हिंदी में ही बात करते हैं, तो इसलिए। एंड एक फैक्ट है कि जितने भी, जैसे आप पंजाबी हो, अगर आप मेरी कंपनी में रहने लगे तो आप भी हिंदी में बात करने लग जाओगे। मैं तो बोलता हूँ हिंदी, मैं तो हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ कभी कभी तो सारे हंसने लग जाते हैं, इतनी हिंदी, अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ। बट मैं सीरियसली आपको बताऊँ तो जो मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स होते थे, जितने क्लासमेट्स होते थे, वो ऐसे होते थे कि ओके आपस में बात कर रहे तो हाँ किद्दा है बढ़िया, और मेरे साथ जब बात करते थे हाँ कैसी हो कैसी तुम, तो मतलब मेरे साथ वो खुद ही हिंदी में बात करने लग जाते थे तो मुझे पंजाबी में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। दूसरी गल, लिरिक्स जेडे से वो थानू कितने दिन पहले मिल गए, मतलब प्रैक्टिस करने लिए लिरिक्स ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट, हाँ, क्योंकि जब फर्स्ट डबिंग हुई थी उसी टाइम पे मतलब उन्होंने बुलाया जब एंड लिरिक्स गाना सुनाया कि ओके ये ट्रैक है एंड ये लिरिक्स है, तो उसी टाइम उन्होंने मुझे बताया एंड उसी टाइम हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब सेकेंड फाइनल डबिंग हुई उसके बीच में भी मतलब 5 to 6 months का गैप था, तो वो मुझे पूछे थे ओके कुछ याद है कि गाना कैसा था आपको तो भूला भी नहीं नहीं, बट मुझे भूला नहीं था बिकॉज मुझे याद रहते, तो मुझे कुछ कुछ याद था, सो मैंने कहा नहीं मुझे बहुत हद तक याद है, सो बस फिर फाइनल डबिंग। अच्छा, तो दूसरी गल हुण गाने की गल बहुत हो गई है ना, इन्होंने कहता इन्हों की आवाज़ सिलेक्ट हुई सी, मैनू लगता अपन भी गाना सुन लेना चाहिए लाइव। जिमेना ने कहा कि मेरी आवाज़ में पुराने गाने बहुत गाँवे रहे हैं ना, तो आप पुराने तो स्टार्ट करा तो थोड़ा वार्म अप भी हो जाएंगे, फिर आप सुना जानी सुपर स्टार फिर स्टार्ट पहले कोई पुराना गाना हो लग जा गले के फिर हसी शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो।
क्या बात है, क्या बात है। वैसे ये गाना मैं पहली बार सुनिया पर मैं ये लग रहा है जिम्मे दूर का कनैक्शन होंगे ना, अंदरूनी जुड़ जाने तो हूँ वह गाना हो जी। चलो भी कर दे तेरी फोटो लगे, फोटो लगे, फोटो लगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तुम्हें बहुत सोना परफॉर्मेंस किया तुमने। दिव्या सुपरस्टार हो गया, उस तो बाद कौन होएगा? बहुत बिग हिट है ना। मैं पहला भी दस्या भी मैं सुनिया सीगा गाना जदों ना मूवी दे विच जां पहला रिलीज़ हो गया सी, फर्स्ट सॉन्ग सी मैनूं लगदा किस्मत दा, ते उदों आया भी कि कुड़ी कौन आ दिव्या भट्ट। मैं सर्च मारिया, मैं लगती तो अपने हाण जी दी है ना कुड़ी, बहुत बड़ा हिट गाना गया, ते ओह किदां मिलिया? वो सुपरस्टार से ही, बिकॉज सुपरस्टार जो है वो जानी ने लिखा है, राइट। सो ये सॉन्ग भी जानी ने लिखा है, सो उन्होंने ही मुझे कॉन्टैक्ट, उसके बाद हम लोग सुपरस्टार के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट में रहे एंड फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया एंड बस सिंपल। अच्छा, दोनों गाने का जो मैं कंपेरिजन करा तो कि ज़्यादा लगता भी आज यार ये थोड़ा वधिया सीगा? वैसे वधिया दोनों ही, सानू तो सारी वधिया सी, मतलब मेरा फेव एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे हैं सॉन्ग्स, बट जो सुपरस्टार है वो ऑब्वियसली बहुत क्लोज है बिकॉज मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, राइट। और मतलब मैं एक चूज़ नहीं कर सकती, बट मैं आपको दोनों के बारे में बता सकती हूँ कि सुपरस्टार ये है कि मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, एंड कौन होएगा इज़ लाइक कि वो मेरे टाइप का सॉन्ग है, मतलब आप मैं जो है वो थोड़े रोमांटिक सैड सुनती भी ज़्यादा हूँ, मतलब गाती तो मैं हर जॉनर हूँ बट सुनती मैं ऐसे टाइप के जो थोड़े मेलोडियस होते हैं ऐसे सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ। सो अगर आप मुझे कहो कि अगर ये सॉन्ग वैसे भी आया होता मैंने नहीं भी गाया होता तो भी ये मेरा फेवरेट होता, बिकॉज मुझे ये सॉन्ग मतलब बहुत, खुद ही पर्सनली मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं इसको ही सुनती रहती हूँ बार बार अभी तक स्टिल। दिव्या जो तो कॉलेज जाने हो, MCMC जाने हो, रेगुलर कर रहे हो कि कोर्स पढ़ने? रेगुलर, रेगुलर। तो थोड़ा जहा ना इज्जत बच जाती है भी दो गाने आए है ना, थोड़ा बहुत फील तो माड़ा देखता सारा कुछ है ना, तो उत्थे फ्रेंड्स भी मिलते होने नए स्टूडेंट। आपने गाया वो गाना? आपने गाया वो गाना? एग्जैक्टली। कई बार कोई शौक हुआ गाना आपने गाया है? एक्चुअली ये बहुत मेरे साथ अब बहुत बार हो चुका है ना सुपरस्टार के बाद, एंड स्पेशली ये तब से होना स्टार्ट हुआ था जब मैं रियलिटी शोज में, पहले मैं बहुत काफ़ी रही हूँ, सो इंडियन आइडल जूनियर में मैं season 1 season 2 दोनों में थी, तो स्कूल से ही जब लोगों को पता लगा कि ओके आप ही हो वो, मतलब देवर लाइक के मेरे पास आके आप ही हो ना वो जिसने वो जो रियलिटी शो में गए थे। और कॉलेज में मेरे मतलब फ्रेंड्स बहुत कम है, बट जितने भी जिनको आगे आगे पता लगता रहता कि ओके हमारे कॉलेज में एक है यू नो सिंगर जिसने कौन होएगा और ये गाया है सुपरस्टार, सो वो मेरे पास अगर उन्हें पता लगता है कि ये है दिव्या तो वो आके होते आप ही हो ना वो, आप ही हो ना जिसने गाया, तो बोलती हूँ हाँ मैं ही हूँ। कई बार तो वो पूछते भी नहीं है, कई बार दिया लाइक आप ही हो ना वो, मैं कहा हाँ मैं ही हूँ जिसने वो गाना गाया है। अब तो आपको पता ही चल गया वही पूछ रहे हैं। हाँ जी। फिर सेल्फी सुल्फी? हाँ बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब यू नो लोग आके आपको स्पेशली अभी जब मतलब मैं अपने कॉलेज की तरफ से इंटरजोनल के लिए मैं गई थी बादल जगह है एक, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे हमें जाना था, सो मतलब मैं जहाँ भी जा रही थी लोग मुझे घूर के देख रहे थे बिकॉज वो बेसिकली पंजाब एरिया है ना, तो उनमें से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे एंड देवर लाइक घूर रहे थे, तो मुझे पहले ऐसा लगे थे क्योंकि क्यों घूर रहे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, गुस्सा आता है, बट सेकेंडली मतलब दो सेकंड बाद ही मेरे दिमाग में कि ओके इसलिए तो नहीं घूर रहे कहीं, और फिर वही हुआ कि उसके बाद वो लोग आके मैम आपने वही है एंड एक तो ये था कि मैं बैठी हुई थी एंड एक कोई आए एक पर्सन आया उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप ही हो वो जिसने रू मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा गाए, एंड मैं उनके सामने ही मतलब हंसने लग गई थी कि हाँ जी हाँ जी मैंने गाया, तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशल आपको ऑब्वियसली बहुत स्पेशल फील होता है
सो ये तो अभी स्टार्टिंग है मतलब, एंड अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज स्टडीज़ के करके. मैं जितना एक्टिव हो सकती हूँ मैं उतना कोशिश करती हूँ. बट मैंने देखा है, ये बहुत नोटिस किया कि जितना भी मैं मतलब जैसे मैं लाइव अभी लाइव भी नहीं आई हूँ एक भी बार, बट जैसे मैंने लेट्स टॉक या कुछ डाला है क्योंकि व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी, सो लोग इतने सारे मैसेजेस करते हैं एंड पर्सनली भी इतने सारे डीएम्स, तो मतलब बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. वेरी नाइस, बहुत लंबा सवाल सी बट मिले सुन के तो सारे नो बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिले हो गए है ना. अभी दिन ही बन जाता बंदे का है ना, कोई कह दे तुम बहुत सोहना लग रहे, अगला कहना वाह नहीं हाँ, तो कोई इन्ना ज़्यादा कोई गिफ्ट वगैरह. गिफ्ट तो अभी तक नहीं, मतलब ऐसे कुछ फैंस की तरफ से ऐसा भी कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है. इस तो बाद मैं चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट या कोई होर गिफ्ट लेके देना है. फिर तू कल नु तुसी किते होर इंटरव्यू कहोगे तो तुसी कहोगे वो जेड़ा एंकर सी उन्हें गिफ्ट देता सी पहला. ऑब्वियसली श्योर श्योर, बट गिफ्ट तो नहीं, बट ऐसे है कि कमेंट्स बहुत लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि एक मतलब जो मुझे आपने पूछा क्वेश्चन, तुमने सबसे पहले एक ही चीज़ याद आई है कि एक बार टैगोर थिएटर में जब मैं थोड़ी छोटी थी तब आई थिंक मैं इंडियन आइडल में भी नहीं गई थी, उससे पहले की बात है. सो तब उषा मंगेशकर जी आए थे टैगोर एंड मैंने लता मंगेशकर जी का सॉन्ग गाया था तुम्हें याद करते करते. तो उस टाइम पे मतलब जो वहाँ का एम्बियंस, वो जो माहौल बना था कि उषा मंगेशकर जी ने मतलब जो जो लोग उसका पार्ट थे उन सबको याद होगा बिकॉज वो एक एपिक कमेंट था उनका कि वो जब स्टेज पे बाद में उनको बुलाया गया तो उन्होंने बोला सबने बहुत अच्छा गाया, सब बहुत अच्छा परफॉर्म करे. बट मैं स्पेशली एक लड़की के लिए बोलना चाहूँगी जिसने ये वाला, उनको मेरा नाम ऑब्वियसली नहीं आता, तो उन्होंने बोला कि जिसने ये गाना गाया था तुम्हें याद करते करते, एंड ये बच्ची बहुत आगे जाएगी एक दिन, एंड ऐसे ही मतलब अच्छे गुरु से सीखे और ऐसे रियाज करते रहे तो बहुत बहुत आगे जाएगी. सो मतलब दैट वाज द बेस्टेस्ट कमेंट, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा. एंड सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि तूने गाया था वो गाना. तो आजकल रियाज वगैरह कितना टाइम चल रहा है? रियाज में बहुत ये क्वेश्चन अगर आप मेरे पेरेंट्स से पूछोगे तो उनकी तरह से आपको लगेगा ये बिल्कुल रियाज नहीं करती है. बट नहीं, मैं रियाज मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम निकाल के रियाज कर सकूँ. बट जैसे है कि ट्रैवलिंग है, कॉलेज है, सब कुछ, तो साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, स्पेशली जब शोज़ आएँ कि आप एक रेगुलर रूटीन बना रहे हो कि ओके अब मैंने एक घंटा, इतना घंटे, दो तीन घंटे रियाज करना है रोज़, बट फिर सडनली कोई काम आ जाए, ट्रैवल आपको ट्रैवल करना है, तो उस करके फिर मतलब वो डेली रूटीन नहीं बन पाता है. बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जब भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं बैठ के अगर ऐसे हारमोनियम है तानपुरा के साथ नहीं तो गाने गाती रहती हूँ. केड़े इंस्ट्रूमेंट तुसी खुद प्ले कर लेती हो? इंस्ट्रूमेंट मैं हारमोनियम प्ले कर लेती हूँ एंड तानपुरे के साथ गाती हूँ. एंड उसके अलावा मुझे गिटार बहुत पसंद है, बट मुझे भी आता नहीं है, मेरे पास है गिटार बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है. मुझे बहुत जल्दी मतलब मैं क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ एंड मैं गिटार सीखने वाली. मेरे दिमाग से एक क्वेश्चन हो रहा है, जो आप कॉलेज होने तो हर एक बहाने लाने की बहुत आदत होती है ना, एक्सक्यूजेज मतलब भी कम नहीं होया, तो तुसी कदे टीचर नू कहा भी मैम कल ना मेरी डबिंग सी, मैम मैं कल उत्थे शो सी करके मेरा हो नहीं पाया, मैम प्लीज? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है. मतलब बचपन से ही मैंने आपको बताया मैं दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलती हूँ, तो बचपन से ही ऐसा हुआ है कि मतलब क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है ना कि वो बोले कि बेटा बोल देना मैम को कि डबिंग थी, बोल देना कि शो था. पहले पढ़ाई काम मतलब उनको है कि आपके दोनों काम है, अगर आप दोनों चीज़ें कर रहे हो तो उनको आपको पूरे अपना 100% देके करना है. सो नो एक्सक्यूजेस फॉर एनीथिंग, मतलब आपको सिंगिंग में भी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है, इसमें भी नहीं, एंड होता भी है ऑब्वियसली. अभी तो मेरी कई टीचर्स को पता भी नहीं है कि आई एम अ सिंगर. इतने साढ़े वर्गे का कोई थोड़ा मोटा काम होया वैसे कहना मैम तुसी देखा सी ओहो मैम असी सी नहीं बहुत डाउन टू अर्थ हो तुसी नहीं दसे टीचर नु, इस तक खुद जा के दस देने सी मैम कल ना मैं उत्थे सीगा मैम असी उत्थे सीगे. नहीं मतलब उनको एज जैसे हमारे एनुअल फंक्शन या कोई फंक्शन में मैं कॉलेज के परफॉर्म करूँ तब उन्हें पता लगता है. एंड इवन कि एक बार मेरी क्लास फर्स्ट ईयर में, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मेरी एक मैम है, तो मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ तो मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ है ना. तो मैं कोशिश करती और फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी मैं कोशिश करती थी कि रेगुलर रहूँ, क्लासेस लगा पाऊँ, तो उन मैम की क्लास मैं मिस भी नहीं करती थी. एंड मैं मतलब वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे तो मैं आगे बैठती थी.
एंड उनको जब पता लगा कि ओके इसके क्लासिकल में लाइट वोकल में सब में इंटरजोनल जोनल में इतने सारे प्राइजेस फर्स्ट आए हैं सब में सो देन शी केम इनटू द क्लास एंड शी सेड ओके गुड मॉर्निंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी हमारी क्लास में एक लड़की है दिव्या भट्ट वे ऋषि तो कहते कि ओके हाँ कहते ये मतलब क्लास में चुपचाप बैठ के सारा सुनती है एंड मतलब बिल्कुल एज अ स्टूडेंट ओबीडियंट स्टूडेंट एंड इतनी मतलब इतना ज़्यादा सिंगिंग में इतना कुछ कर रही है तो मतलब उन्होंने फिर मुझे बोला कि ओके राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर अच्छा आप खड़े हो गए ना नहीं मिल जाएगी तो मतलब वो अच्छा लगता है जब कोई ऐसे करते हैं ना स्टडी की कंटिन्यू करना हूँ बीए चल रही है इस बाद कोई म्यूजिक एमए इन म्यूजिक वगैरह कुछ और अभी सोचा है मैंने कि म्यूजिक में ही आगे करूँगी एमए देन देखते हैं पीएचडी जितना पढ़ सकूँ मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि ओके अब मैं बीए ग्रेजुएशन कर लिया मेरे पास डिग्री आ गई ऐसा नहीं है क्योंकि अच्छा लगता है स्पेशली म्यूजिक तो सब्जेक्ट सबको लगता है कि ओके म्यूजिक गाना गाती है तो म्यूजिक में तो तेरे फुली आएंगे अच्छा, तो बट ऐसा नहीं है बिकॉज थ्योरी मतलब मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि थ्योरी बहुत डिफरेंट होती है बहुत आपको अगर आप म्यूजिक में हो तो देन ये होता है कि थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकली जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो वो आप प्रैक्टिकली जब करते हो तो आपको इजीली किसी भी सब्जेक्ट में आता है बट वो बहुत टफ होता है एंड एक और चीज़ कि प्लस टू में मेरे म्यूजिक में 100 आए थे सो एंड आई गॉट ऑनर्ड बाय CBSE फॉर दैट एंड इंग्लिश में 98 आए थे इंग्लिश में 98 एंड म्यूजिक में 100 मतलब कोई परमात्मा की कोई कृपा हुई हुई अभी स्टडी च भी बच्चा अगे ते गाउन च भी है ना कोई सुख सकता नहीं सुखी हुई हाँ नहीं एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि नॉट शोइंग ऑफ मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर कुछ सकते हो राइट right? मतलब ऐसा नहीं है कि जो म्यूजिक में है वो नलायक होते हैं या ऐसा नहीं है कि अगर आप म्यूजिक कर रहे हो तो आपको साथ में पढ़ाई नहीं करनी है या पढ़ाई कर रहे हो तो आप म्यूजिक नहीं कर सकते आई थिंक म्यूजिक वैसे भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको मतलब एक एज अ ह्यूमन बीइंग हो चाहे एज अ स्टूडेंट हो आपको इम्प्रूव ही करता है आप में जो चीज़ें हैं ना तो आपको अच्छा ही बनाता है तो दोनों साथ साथ में चल रहा है दिव्या केड़े सिंगर नु ज़्यादा सुन दिया पहला बॉलीवुड फिर बॉलीवुड ओके सो बॉलीवुड में मेरे बहुत सारे हैं ना फेवरेट पर जैसे मैंने बताया कि मैं पुराने गाने गाती हूँ थी अभी भी थोड़े बहुत गाती हूँ तो उस हिसाब से बचपन से ही मैंने लता मंगेशकर जी आशा भोसले जी को सुना है ना रफ़ी जी को सुना है उसके बाद जो मतलब बेसिकली ये है कि जो हमेशा से मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं वो है सोनू निगम जी सो उनके बाद सीधे दिल तक पहुँचती है तो मतलब उन बहुत इन लोगों से इन ये जो इतने लेजेंड्स हैं इन लोगों से ही इंस्पिरेशन मिलती है कि यू नो गाना हर कोई गा लेता है पर जो फील वो फील होता है ना तो विदाउट उसके कुछ भी चाहे आप किसी भी टाइप का सॉन्ग गाओ तो विदाउट उसके कुछ भी सॉन्ग का कोई मतलब नहीं है तो सोनू निगम जी अभी अरिजीत सिंह हैं श्रेया घोषाल इन सबको ज़्यादा सुनती हूँ मतलब कोई ये नहीं है कि मतलब कोई अभी जैसे लेटेस्ट भी जो सॉन्ग चल रहे हैं मतलब ये नहीं है कि अभी मैं ओके सोनू निगम जी और अरिजीत सिंह के अलावा किसी को नहीं सुनती जो भी अच्छे गाने आ रहे हैं मैं अच्छे गानों को सुनती हूँ एंड बॉलीवुड में दिलजीत दोसांझ मुझे बहुत मतलब पसंद है एज एन एक्टर भी और एज अ सिंगर भी मतलब बहुत वर्सेटाइल हैं तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है बाकी बहुत सारे अच्छे और हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं बट दिलजीत दोसांझ इज माय फेवरेट अच्छा अच्छा ते फैमिलीज़ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਟ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ज़्यादा हैंग आउट करती भी नहीं हूँ मेरा फैमिली अगर आप पूछो कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम या फैमिली तो आई वुड से फैमिली स्पेशली कजन्स बिकॉज हम लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स हम लोग फ्रेंड्स होते हैं ना मिलते हैं एंड ऑल वैसे ही मेरे साथ कजन्स का हमारा होता है हम लोग फ्रेंड्स की तरह मतलब हमारे बड़े भाई बहन हमारा पहले से ही ऐसा है कि हम सारे मिलते हैं सारे कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी हो तो
यू नो अगर बाई चांस कभी मिस हो गया तो हम लोग मतलब मैसेज करके अरे लास्ट टाइम ऐसा था ये था. तो हम लोग हर बार हर फेस्टिवल में मिलते हैं और साथ में सब कजन्स इंजॉय करते हैं मतलब किसी भी तरह प्लान बना के. फिर वो पोस्ट पोने हैशटैग खप्पी कजन्स. हाँ मतलब उनके साथ मतलब हम लोग ऑब्वियसली मैं बहुत मतलब मैं फैमिली में बहुत छोटी सबसे छोटी हूँ. मेरे से छोटा बस एक मेरा कज़न है उसके अलावा मैं छोटों में ही आती हूँ. तो बाकी सारे बड़े हैं तो हम लोग मतलब बहुत मस्ती करते हैं कहीं और ऑब्वियसली चंडीगढ़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्लान बना के दिल्ली जाते हैं कभी वो चंडीगढ़ आते हैं. तो चंडीगढ़ गिड़ी लई बहुत मशहूर है ते तुसी गिड़ी लाई है? नहीं डर भी लगन लग जाता कि स्नैपचैट मना दिव्या भट्ट गेड़ी लाउंदी होई फिरदी सी ना. ते दूसरी गल फ्यूचर प्लान्स की आ रहा की मतलब सानू पेश करन वाले तुसी? कोशिश तो मैं यही करूँगी कि जो भी आए मतलब प्रोजेक्ट्स वो मतलब अच्छे ही हों गाने हों चाहे कुछ भी. सो अभी मैं मीट ब्रदर्स के साथ काम कर रही हूँ तो उनके साथ लाइव शोज मतलब अभी से नहीं वो आई थिंक 3 years व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड मैंने तब फर्स्ट शो उनके साथ किया था लाइव. तो अब इट्स लाइक कि आई एम द पार्ट ऑफ देयर बैंड एंड मैं उनके साथ लाइव शोज़ कर रही हूँ एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल अब्रॉड भी जितने अभी 4 shows हैं कर चुकी हूँ तो उनके साथ अभी लिंकअप है. उसके अलावा पंजाबी में ही थोड़ा आगे और कई नए हैं जब आपको आएंगे तो पता लग जाएगा. तो उनके साथ अभी चल रहा है तो मतलब चल रहा है सब कुछ थोड़ा बहुत. दीपे हुण जान तो पहले ना कौन होएगा वो क्योंकि मेरे तो दिल के करीब है ही है ना सारे मुझे लगता है सारे के करीब आ दिल दे ते कौन होएगा? ठीक है एंड कौन होएगा तो सभी ने सुना है राइट. सो मैं उसका जो लास्ट वाला स्टेंजा है जो कि एंडिंग होती है जो ऑडियो में इंक्लूडेड नहीं है उसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एंड फाइनली मुझे चांस मिला है. मैं लाइव तो अभी तक नहीं उनसे अपने फैन से बात कर पाई हूँ बट मुझे अभी चांस मिला है कि मैं वो उनके लिए गाऊँ राइट. सो मैं वो सुनाना चाहूँगी सबके लिए. हाँ मूवी में है बट ऑडियो में या और कहीं भी पे नहीं है. सो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो हमें सुनना है राइट. जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा? रू मेरी तड़पेगी जाने दिल भी रोएगा. मेरा भी जी नहीं लगना दो दिन विच मर जाऊं सजना. मैं पागल हो जाना मैं भी ते खो जाना. जे तेरी मेरी टूट गई है वे रब भी रोएगा. जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा? रू मेरी तड़पेगी जाने दिल भी रोएगा. दिल भी रोएगा. असी चले तेरा चै तू खोई ना सजना. मैनू मरी नू सीने लाके तू रोई ना सजना. तू रोई ना सजना. तू खुद नू नहीं संभाल जख्म मेरे अल्लाह तोएगा. जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा? रू मेरी तड़पेगी जाने दिल भी रोएगा. दिल भी रोएगा. वेरी नाइस यार. ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ. ਨਹੀਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਰੋਣ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਦਿਵਿਆ. ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ. ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਾਣਾ. ਅਤੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ.
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਵਿਦ ਸਿੰਘ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੁਝੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇ ਲਈ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਐਂਡ ਮੁਝੇ ਯੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਉਨਸੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਓ ਐਂਡ ਵੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਪਾਏ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ ਫਰੋਮ ਸਿੰਘ ਔਨਲਾਈਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ